वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज साक्षी धुंजल। और अभी तक मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट वी आर एक्सप्लोरिंग जयपुर टुगेदर। एंड जैसा कि मेरे को ना सबसे ज़्यादा रिप्लाई ना एक जगह आए थे, सो तुम्हें पता मेरे पास, मैंने कल सब लोगों से पूछा व्हाट शुड वी एक्सप्लोर इन जयपुर, जब मैंने तीन चार चॉइसेस रखी, सो वेयर शुड कहाँ मुझे सबसे ज़्यादा रिप्लाई आए होंगे? नारगढ़ फोर्ट। अच्छा, तुम देख चुके ऑलरेडी मेरी स्टोरी। So you know, I got the reply सबसे ज़्यादा on नारगढ़ fort. So this is not नारगढ़ picture actually, and this is the picture of कुछ पता है ये picture कहाँ की है? ये आमेर की है। No, any other guess? अच्छा, अगर तुमने सही बताया, I'm gonna ये monkey place की है। I'm gonna give you 500 अगर तुमने सही बताया। Last chance। Monkey place? नहीं, monkey palace भी नहीं है ये। शर्त? कितने की? 500 की। Done. So this is a picture of निमराना फोर्ट, एंड ये इसी साल की पिक्चर है। उसमें नहीं लिखा निमराना, दैट्स सो आई वाज जस्ट आस्क्ड, नहीं मैंने तुम्हें बोला था कि मैं ऑप्शंस दे रही हूं। इट्स अ पिक्चर ऑफ निमराना फोर्ट। वेल, मेरे चैनल को पूरा 2 साल कंप्लीट हो गए, मतलब इट्स बर्थडे इज देयर। सो अभी फोन ना देखते हुए, हम भी फोन में कुछ चीज़ें पर्सनली खुल जाती हैं, हम जा रहे हैं नारगढ़ फोर्ट। नारगढ़ फोर्ट में पहले भी जा चुके हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल फोर्ट और सबसे ज़्यादा सुंदर हो जाता है सनसेट के टाइम पे। सो वी हैव प्लान समवेयर एट 4। अभी हम बैठे हैं CCD, वी वर रियली हंग्री क्योंकि हम लोग आराम कर रहे थे। आज फाइनली रीचिंग टू दी नारगढ़ फोर्ट, जिसकी हिस्ट्री का मुझे 0% आइडिया है, ट्रस्ट मी। और यहाँ पे जो पार्किंग है ना गाड़ियों की, वो 50 रुपीज़ है। आप गाड़ी कुछ इस तरफ पार्क कर सकते हो। फिलहाल हम पहुंच रहे हैं 4:30 बजे क्योंकि यहाँ का सनसेट बहुत ही खूबसूरत होता है, जो कि कुछ उस तरफ होता है। फिलहाल टिकट लेते हैं, फटाफट से अंदर चलते हैं बिकॉज वी आर ऑलरेडी लेट। सो गाइस, हम खूबसूरत सी जगह एंटर करते हुए, जहाँ की टिकट 50 रुपये पर पर्सन है, पर मैंने 30 रुपये बचवा लिए, मतलब 25-25 रुपये बचवा लिए। कितने बचाए? 30 रुपये एक्चुअली, मैं क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और मैं भारतीय विद्या भवन में पढ़ रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे एक स्टूडेंट डिस्काउंट मिला, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। Raman, how you feel being a known student in college right now? सोच रहा मैं भी एडमिशन ले लूँ। मैं तो बोला ही पढ़ लो। उसके लिए 25,000 फीस देनी पड़ती है, तब जाके 20 रुपए बचे। 25,000 रुपए नहीं है फीस, फीसेस राइट, लास्ट ईयर की फीस थी अराउंड 20,000, बुक्स अलग हो जाती है तो अराउंड 22,000 बन जाती है। इस साल की फीस गई है 19,000। सो गाइस, यहाँ पे शीश महल है जिसकी टिकट बहुत कॉस्टली है, वी आर नॉट गोइंग टू गो देयर। हम सीधा फोर्ट के अंदर जा रहे हैं, अगर आपको शीश महल जाना हम जा सकते हैं। एंड कुछ इस टाइम का यहाँ पे म्यूजिक प्ले होता है। तो शीश महल की टिकट अलग है? हाँ, शीश महल की टिकट बहुत महंगी है, सही लूट में जा रखी है। हाँ, और गाइस ये एंटर करते हुए हम उस एरिया में जहाँ पे टिकट दिखानी है पहले, फिर एंट्री मिलेगी। टिकट दिखा दो फिर एंट्री मिलेगी। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हट चुकी है यहाँ बहुत। सो गाइस, जब आप ऊपर की तरफ आओगे तो आपको नीचे कुछ ऐसा नज़ारा दिखेगा जैसे आप जेल में हो, बल्कि क्योंकि ये महल है तो यहाँ पे लोग नीचे ऐसे ही देखते थे जब कोई फंक्शन होता हो। इवन आई एम नॉट टॉकिंग लोग दास, मतलब महारानियाँ ऊपर बैठ के ऐसे फंक्शन देखती थी और जो महाराजा थे वो नीचे बैठ के फंक्शन ज़्यादा इन्जॉय करते थे। बट थोड़ा सा इक्विटी आ गई है, कितनी भीड़ है ना, बट सनसेट बहुत ही खूबसूरत है। और अमन एज़ यूजल आज के दिन भी कॉल पे। बाय द वे, मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, आज वैलेंटाइन डे है एंड वी आर डूइंग दिस कपल गोल्स। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सेम कपड़े पहने हैं, हमने ऐसा सोचा था बिकॉज वी वांट टू क्रिएट सम कंटेंट टुगेदर। और अगर आप नारगढ़ फोर्ट आ रहे हो और आप सनसेट ना देखो तो आपने कुछ नहीं देखा जयपुर में। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगी 360 डिग्री के व्यू पे, तो नहीं बट अराउंड 180 डिग्री के व्यू पे यहाँ से जयपुर दिखता है। मेरे सामने की तरफ जल महल, मेरे पीछे की तरफ जयपुर की कुछ प्लेसेस, इवन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कौन कौन सी। तो आप महल लेके जा रहे हो हमको, आगे से बता रहे हैं यहाँ के। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो बोधू है। बोधू? बोधू जी। बोधू, बोधू जी आप हमें राजा के महल ले जा रहे हो। अंधेरा आ गया गाइस, अंधेरे से निकलते हुए हम एंटर होते हुए रोशनी पे। और ये है यहाँ के राजा का महल, जो भी प्रिटी ऑक्यूपाइड है, मिलाकर लोग फोटोज़ खिंचवा रहे हैं। ये पूरा राजा का महल है। अच्छा, छोटा नहीं है? रमन तो मुझे ऊपर छोड़कर आ गया अकेला। बस ये ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड है जिसके फ़ोन आता है तुम मुझे छोड़ के चले जाते हो अकेला?
सो गाइस मैं लास्ट टाइम यहाँ खाना खाने आई थी, दिस इज़ RDDC गवर्नमेंट का पॉइंट है एक्चुअली। यहाँ पे खाना बहुत रीजनेबल है बट यहाँ पे अभी एंट्री चार्जेस पर 1500 रुपये हो चुके हैं विच एक्चुअली नॉट वर्थ इट। सो वी आर गोइंग सम अदर प्लेस टू ईट, बट यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है बट चार्जेस वर्थ नहीं करते। सो जब हम रेस्टोरेंट गए थे वो एक्चुअली में नारगढ़ फोर्ट से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर है, अराउंड 400 मीटर। हाँ बट अब हम सोच रहे हैं हम टैटूज कैफे जाएं विच इज़ जस्ट अपोजिट टू हवा महल विद अ ब्यूटीफुल व्यू। सो गाइस फाइनली मुझे हमन लेकर आया है लापिनो पिज्ज़ा। बहुत भूख लगे, सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ यार। स्टफ़ ब्रेड, स्टफ़ गार्लिक ब्रेड एक्चुअली, आई थिंक इट्स गोना बी यम। फटाफट खाते हैं और देखते हैं कैसी है। रमन को अवॉइड करना, चला दियो मुझे भूख लग रही है। आंटी नमस्ते, आंटी रमन की मम्मा की बात कर रही हूँ मैं। आंटी देख लो ये लड़के को कैसी कैसी बातें करता है। ये रमन गाड़ी को धक्का देने वाला बना हुआ है। वेल मैं मजाक कर रही हूँ, हम लोग गाड़ी को इसलिए धक्का दे रहे किसी ने हमारी गाड़ी फसा दी थी। बट यू नो आई चेक कि वो गाड़ी न्यूट्रल पर है और विदाउट गियर है, तो अपनी गाड़ी विदाउट गियर और न्यूट्रल पे मत छोड़ा करो ताकि आपकी गाड़ी उठ ना सके, मतलब कोई उठा लेगा। सो लेट्स गो बैक टू आवर होटल, वी हैड अ ग्रेट फूड एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट डे। ट्रैफिक बहुत है पर चलते हैं घर की तरफ, मुझे कितनी लाइट्स फैल रही है। फाइनली कमिंग बैक टू द ब्यूटीफुल प्लेस वी आर स्टेइंग विद, राजस्थान पैलेस, एंड वी गोना टेक रेस्ट राइट नाउ। ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट डे। वेल आई एम गोना सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक द प्लेस। अगर आप नाहरगढ़ जा चुके हो या अजयपुर आ चुके हो तो डू कमेंट। टाटा, सी यू, गुड नाइट।